नमस्कार। बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं या मैं जिन लोगों से बात करता हूँ मैं उनसे कहने की कोशिश करता हूँ कि यार आप ओशो को देखा करो, ओशो को सुना करो, क्योंकि जितना मैंने ओशो को सुना है अब आप कहोगे कि आप मेरी वीडियो देखते हो कि यार ये तो ओशो के पीछे पड़ गया है, इसलिए तो ओशो ही कर रखी है बस। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार आप सुन के देखो यार, जितना आपको सोचने का नज़रिया है ना, जितना आपका दिमाग सोचता है वहाँ से तो वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ओशो एक व्यक्ति नहीं थे, उनकी एक विचारधारा थी। मैं कहूँगा ओशो व्यक्ति नहीं थे, ओशो एक विचारधारा थी, यानी समझने का अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपने आत्मज्ञान। समझो जो आदमी 1000-1500 बुक पढ़ चुका हो, एक दिन में एक बुक को ख़त्म कर देता हो, किस तरीके का आदमी होगा, क्या उसकी सोच होगी, किस तरीके उसका दिमाग होगा। उसके अगर हम 10% भी बन जाएँ, 1% भी बन जाए तो हमारी ज़िंदगी का कितना तगड़ा उद्धार होगा, आप सोचो। तो मैं कहूँगा कि ओशो एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थी। और ओशो को आप किसी भी माध्यम में ले सकते हो। ओशो को आप कह सकते हो कि यार उनके पास तो इतनी गाड़ियाँ थी, रॉयल्स रॉयस थे, रईस बाबा थे, ये करते थे, वो करते थे। मैं कहूँगा नहीं, वो हमेशा कहते थे कि मेरे पास जो योग करने आए ना, वो वही व्यक्ति योग करने आ सकता है, या आत्मा को आत्मज्ञान वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बहुत पैसा है। अब इस पर भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि बहुत पैसे वालों को ही बाबा बुलाते हैं, अमीरों को ही बाबा हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि जो निम्न व्यक्ति होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उन्हें पाने के लिए क्या होता है, उनके पास उनको एक चीज़ दिख रही होती है कि यार पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये गाड़ी खरीदनी है, घड़ी खरीदनी है, ये वाला कपड़े लेने हैं, है ना, ये इच्छाएँ हैं, ये वाली बाइक लेनी है। अब अमीर व्यक्ति क्या होता है, अमीर कहते थे ओशो कि उसको पाने के लिए कुछ नहीं, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास धन दौलत भी है, उसके पास घर भी है, उसके पास सब कुछ है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई डिज़ायर नहीं है, उसको क्या चाहिए, वो आत्मीयता चाहिए। तो मैं उसे ही योग सिखा सकता हूँ जो सीखने को तैयार है। जो मिडिल क्लास आदमी होता है, जिनके पास पैसे नहीं होता, जिनकी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, उससे क्या उसे आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। तो उनके कहने का अर्थ ये था कि मैं सिर्फ अमीर को ही सिखा सकता हूँ, गरीबों को नहीं सिखा सकता। उनका कहने का अर्थ ये था, लोगों ने बहुत सारे वर्ड निकाले, मतलब निकाले। ओशो की मैं वीडियो सुनता रहता हूँ तो #ओशो बोलते हैं इस सीरीज़ से मैं वीडियोज़ भी बना रहा हूँ आपके लिए, और ओशो के बारे में आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। जो उनकी बातें थी मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा भी उद्धार होता रहेगा और थोड़ा सा आपका भी उद्धार होता रहेगा। तो ओशो कौन थे, ओशो क्या थे, एक विचारधारा थी। ओशो एक नॉर्मल आदमी नहीं थे हमारी तरह, आपकी तरह। वो तो एक सोच थी, और उस सोचने के लिए भी, उस सोच को समझने के लिए भी दिमाग चाहिए, उस सोच को समझने के लिए भी अंदर से खाली होना पड़ेगा आपको कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है। तो ऐसा बनते रहिए, जो भी चीज़ें दिख रही हैं अच्छी बुरी, उनको अपने अंदर समाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ोगे आपका भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा, और सब कुछ सुख दिखने लगेंगे आपको। सुख को भी इधर बांटोगे आप और दुख को भी इधर बांटोगे, दोनों को बैलेंस करके चलोगे लाइफ को। यही तो योग सिखाता है आपको। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। ओशो कौन थे, ओशो एक विचार थे। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। राइट, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।